हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे RSCERT NS क्विज अभ्यास क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश के कॉन्विजीनियस क्विज का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पैराग्राफ दे रखा है, सबसे पहले अ ग्रीडी वोल्फ वॉज गोबिंग डाउन हिज मील, ही वॉज स्टफिंग हिमसेल्फ सो क्विकली दैट ही गॉट अ बोन स्टक इन हिज थॉट। द वोल्फ वॉज इज इन ग्रेट डिस्कम्फर्ट, he wondered what to do. Just then he saw a crane passing by. He pleaded the crane to remove the bone. He was sure that she with her long neck and bill would easily be able to reach the bone and pull it out. He also promised her to pay a handsome reward. Although the crane was very uneasy about putting her head in a wolf's throat, yet she decided to help. When the wolf felt that the bone was gone, he started to walk away. The crane asked for her reward. The ungrateful, cunning wolf changed its tune by telling that she was lucky that her head had not been bitten off. तो ये था पैराग्राफ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, Why was the wolf in great discomfort? Great discomfort यानी बहुत ज़्यादा उसे uncomfortable क्यों फील हो रहा था वोल्फ को, भेड़िए को। तो यहाँ आंसर लिखेंगे ऑप्शन ए, द वोल्फ हैड गॉट अ बोन स्टक इन हिज थॉट। जो बोन का स्टक होता है, जो एक टुकड़ा होता है, वो उसकी थॉट में फंस गया था, इसलिए उसे कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा था। सेकेंड क्वेश्चन है, वॉट डिड द वोल्फ आस्क द क्रेन टू डू। क्रेन यानी सारस को उसने क्या करने के लिए कहा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू पुल द बोन आउट। पुल मतलब खींचना बोन को बाहर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द क्रेन प्रॉमिस। क्रेन को उसने क्या प्रॉमिस किया था, अ हैंडसम रिवॉर्ड, एक अच्छा रिवॉर्ड देगा वे, ठीक है। तो ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द वोल्फ सो श्योर दैट द क्रेन वुड रिमूव द बोन। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, बिकॉज द क्रेन हैड अ लॉन्ग नेक एंड बिल। जो वोल्फ था उसे श्योर क्यों था कि वो क्रेन है जो उसकी बोन को निकाल सकता है, क्योंकि क्रेन का जो हेड होता है वो लॉन्ग होता है, नेक जो लंबी गर्दन के कारण और उसकी चोंच लंबी होती है, तो उसके कारण उसको वो श्योर था कि वो जो बोन का टुकड़ा है वो क्रेन आसानी से निकाल सकता है। तो यहाँ ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज दी क्रेन अनइजी टू पुट हर हेड इन दी वोल्फ थ्रो। क्यों अनइजी फील हो रहा था क्रेन को अपना सिर डालने में उसके मुंह में, वॉल्फ के मुंह में। तो यहाँ से लिखेंगे, बिकॉज द वॉल्फ कुड हैव ईटन हर हेड। जो वॉल्फ है वो उसका मुंह खा सकता था, ठीक है। तो ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है, द वॉल्फ रिवॉर्डेड द क्रेन विद गोल्ड कॉइन्स। नो, रिवॉर्ड कुछ भी नहीं दिया था वॉल्फ ने क्रेन को। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा इसका, फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोबल। गोबल का अर्थ होता है टू ईट हर्रीडली, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सॉ अ क्रेन पासिंग बाय, आइडेंटिफाई द वर्ब। तो वर्ब कौन सी है यहाँ, सॉ, सी, सॉ, सीन होता है। तो सेकेंड फॉर्म दे रखी है सॉ, सी की, ठीक है। उसने देखा एक क्रेन को पास कर रहा है जो जा रहा है वहां से, तो ऑप्शन थर्ड को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल अर्थात थैंकलेस। तो यहाँ ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, द अनग्रेटफुल कनिंग वॉल्फ चेंज इट्स ट्यून। व्हाट डज द गिवन सेंटेंस मीन। आंसर होगा, द वॉल्फ चेंज हिज एटीट्यूड एंड ओपिनियन। उसका जब बोन का टुकड़ा निकल चुका था वोल्फ का, तो वो चेंज हो गया, और उसका एटीट्यूड ही चेंज हो गया, उसका ओपिनियन चेंज हो गया। तो जो अनग्रेटफुल कनिंग वॉल्फ चेंज इट्स ट्यून है, इसका जो गिवन सेंटेंस में मीन होगा वो होगा, द वॉल्फ चेंज हिज एटीट्यूड और ओपिनियन। उसका ओपिनियन भी चेंज हो गया और उसका एटीट्यूड भी चेंज हो गया सारस के प्रति, ठीक है। तो ये था क्लास 5th के सब्जेक्ट इंग्लिश के एनएस क्विज अभ्यास का कंप्लीट सॉल्यूशन। इसी तरह हम आपकी क्लास से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।